ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेंटल कैलकुलेशन के मींस के दिमाग में आपने इनको सॉल्व करना है विदाउट राइटिंग किस तरह जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में सीखा था हम लोगों ने अभी उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है जो मेथड मैंने आपको बताया था उसी को आप अप्लाई करें और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें देखिए यहां पर आपके पास 10 है और यहां पर 30 है क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है ऐड द फॉलोइंग ओरली मीन्स के काउंटिंग इन टेन जो मैंने मेथड बताया था कि आपने पहला डिजिट क्या देखना है ये टेन है उसके बाद ये है थर्टी टेन में थर्टी ऐड किए क्विकली आपने आंसर देना है जीरो एंड फोर फोर प्लस वन दैट इज फोर्टी तो इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी और इनको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन को आपने करना क्या है आपका जो रिजल्ट है उसको आपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया सोल्यूशन मैनुअल है उसके साथ है करना है करना 27 27 को कैसे quickly आप करेंगे 20 plus 20, uh, 27 में again 20 करें तो आपके पास कितना बन गया 47, 47 में 6 करें तो 50, कितना फिफ्टी थ्री बन गया सो तो इसी तरह आपने क्विकली ऐड करना है देखिए ट्वेंटी सेवन है प्लस किया ट्वेंटी तो आपके पास क्या बना 47 अब क्विकली 47 के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया सिक्स तो आपके पास क्या बन गया फिफ्टी थ्री सो फिफ्टी थ्री इज लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन मैनुअल में दिए गए जो सोल्यूशन uh, मैनुअल में डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स uh, में जो दिया गया है उसके साथ टैली करने के बाद आप टीचर को अपनी नोटबुक सबमिट करवाएं तो अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या चीजें अवेलेबल हैं? आप लोगों के लिए सोल्यूशन मैनुअल फॉर एक्सरसाइज 2.3 एंड देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि, कि किस तरह आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है अप्लाई करना है थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्लास अल्लाह हाफिज